हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग 12 मार्च 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर कवर करेंगे। वीडियो को पूरा बहुत ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसे स्टूडेंट जो कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है, थॉमस बैच हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके प्रेसिडेंट के रूप में अभी हाल ही में थॉमस बैच को री इलेक्ट किया गया है? तो यह है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, आईओसी के अभी हाल ही में प्रेसिडेंट के रूप में री इलेक्ट किए गए हैं थॉमस बैच। इससे पहले भी यही अध्यक्ष थे इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के, एक बार फिर से इनको मेजोरिटी के साथ इलेक्ट कर लिया गया है। आईओसी की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब करी गई थी, 1894 में। और आईओसी का हेडक्वार्टर क्या है, इसका हेडक्वार्टर है लॉसेन। लॉसेन कहां पर है, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है आज की, आपसे कह रहा है, विच मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैज बीन प्रमोटेड एज कैप्टन इन द टेरिटोरियल आर्मी एज अ रेगुलर कमीशन ऑफिसर। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी की टेरिटोरियल आर्मी जो यूनिट है उसमें ये भारत के कौन से मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जिनको कैप्टन के रूप में पदभार दिया गया है? तो ये हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन से, ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स हैं अनुराग ठाकुर। इनको अभी हाल ही में कैप्टन के रूप में पदभार दिया गया है टेरिटोरियल आर्मी में। इंडियन आर्मी के चीफ कौन है, मनोज मुकुंद नरावने। अगला क्वेश्चन है, विच आर्म्ड यूनिट हैज साइंड एमओयू विद सूर्य दीप्ता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। आपसे कह रहा है, भारत की है कौन सी आर्म्ड यूनिट है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या कोस्ट गार्ड, जिसके द्वारा अभी हाल ही में सूर्य दीप्त प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक पैक्ट साइन किया गया है? इंडियन नेवी ने सूर्य दीप्त प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक पैक्ट साइन किया है। ये जो सूर्य दीप्त नाम की कंपनी है, आई एम श्योर इसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये एक बेसिक स्टार्टअप कंपनी है, अभी हाल ही में चालू करी गई कंपनी है। और ये जो कंपनी है इसको इंडियन नेवी के द्वारा 11 टारपीडो कम मिसाइल बनाने के ऑर्डर दिए गए हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि सूर्य दीप्त प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड भारतीय नौसेना को 11 टारपीडो कम मिसाइल बनाकर देंगे, मतलब 11 ऐसे वेपन्स बना के देंगे जिनको एज अ मिसाइल भी एयर से ट्रिगर किया जा सकता है, और इक्विप्ड करके अगर आप चाहें तो मरीन में इसको एज अ टारपीडो भी आप फायर कर सकते हो। ये जो सूर्य दीप्त प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये महाराष्ट्र में थाने की ऑर्गेनाइजेशन है, थाने डिस्ट्रिक्ट की। और इंडियन नेवी के चीफ कौन है, ये है इस टाइम पे एडमिरल करमवीर सिंह। इंडियन आर्मी चीफ है मनोज मुकुंद नरावने, एयरफोर्स चीफ है राकेश कुमार सिंह भदौरिया, और इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल हैं के नटराजन। क्या नाम है, के नटराजन। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली ट्राइब्स इंडिया जीआई महोत्सव हैज बीन स्टार्टेड इन विच सिटी। अभी हाल ही में ट्राइब्स इंडिया जीआई महोत्सव का शुभारंभ भारत के कौन से शहर में किया गया? इसका शुभारंभ उत्तराखंड के मसूरी डिस्ट्रिक्ट में किया गया। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, ये ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इसका मेन मकसद क्या था, इसका मेन मकसद यह है कि पूरे भारत में जितने भी जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स हैं उन सभी प्रोडक्ट को बढ़ावा देना, प्रमोट करना। जीआई टैग का आप मतलब समझते हो, इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग। एग्जाम्पल के तौर पर कहने का मतलब यह है, जब कोई एक जगह उस वस्तु के नाम से जाने जाने लगती है तो उस जगह को बोलते हैं जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग। जैसे कि वेस्ट बंगाल में अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल का रसगुल्ला जीआई टैग पा चुका है, उड़ीसा का रसगुल्ला भी जीआई टैग पा चुका है। अगर बात करें तो महाराष्ट्र में कोल्हापुर और चोलापुर की चप्पलों को जीआई टैग मिला है। अभी हाल ही में साल 2020 में सिक्किम में एक स्पेशल प्रजाति की मिर्च पाई जाती है जिसको बोलते हैं दाले खुरसानी मिर्च। क्या बोलते हैं, दाले खुरसानी मिर्च। इस मिर्च को भी जीआई टैग मिल चुका है सिक्किम के लिए। तो इस तरीके से कहने का मतलब यह है
कि कोई वो पर्टिकुलर जगह जो कि एक वस्तु की वजह से जिसको रिकॉग्निशन दिया जाता है उसको बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग। तो पूरे भारत भर में हर जीआई टैग्ड प्रोडक्ट को यहां पर प्रमोट किया गया, ये इसका मेन मकसद था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि साल 2021 का ट्राइब्स इंडिया जीआई महोत्सव मसूरी के अंदर कहां पर इनॉग्रेट किया गया, तो ध्यान रखिएगा मसूरी के अंदर लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में इसका शुभारंभ किया गया। विच बैंक हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन सॉल्यूशन जिसका नाम है पे रेंट, फॉर रेंट पेमेंट बाई क्रेडिट कार्ड। आपसे कह रहा है ये कौन सा बैंक है जिसके द्वारा एक ऑनलाइन सॉल्यूशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है पे रेंट। पे रेंट ऑनलाइन सॉल्यूशन की मदद से आप अपने क्रेडिट कार्ड की मदद से कोई भी रेंट पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि आप किसी फ्लैट में अगर रह रहे हो रेंट पर, या फिर आप कोई और भी, अल्टीमेटली ए टू जेड आप कोई भी प्रोडक्ट रेंट पर अगर आप यूज कर रहे हो जो कि आपके हिसाब से लोन पर लिया हुआ है, तो ये है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के द्वारा पे रेंट नाम का एक सॉल्यूशन लॉन्च किया गया है जिसकी मदद से आप क्रेडिट कार्ड से अपने लोन की इंस्टॉलमेंट चुका सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको रिडीम पॉइंट्स अच्छे मिलेंगे। रिडीम पॉइंट्स का मतलब आप लोगों को पता ही है कि इसका यूज आप आने वाले टाइम पे शॉपिंग वगैरह में अगर आप करते हो तो आपको कुछ परसेंट की छूट मिल जाती है। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1984 में करी गई थी, माफ करिएगा 1994 में। यस बैंक की स्थापना 2004, आईसीआईसीआई बैंक की भी स्थापना 1994 में, और कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में करी गई थी। एचडीएफसी बैंक के इस टाइम पे सीईओ हैं शशिधर जगदीशन, यस बैंक के हैं प्रशांत कुमार, आईसीआईसीआई बैंक के हैं संदीप बख्शी, और कोटक महिंद्रा बैंक के हैं उदय कोटक। इस स्कीम को लॉन्च करने के लिए जिसका नाम है पे रेंट ऑनलाइन सॉल्यूशन, इसको लॉन्च करने के लिए एचडीएफसी बैंक ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से हाथ मिलाया है? इन्होंने मैजिक ब्रिक्स के साथ हाथ मिलाया है। मैजिक ब्रिक्स एक, जिसको आप बोल सकते हो कि ये एक रियल इस्टेट ऑर्गेनाइजेशन है और ये आपको प्रॉपर्टी में डील कराते हैं। अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि अगर आपको प्रॉपर्टी वगैरह खरीदनी है, जैसे कि घर खरीदना है या दुकान खरीदनी है या फिर कोई भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आपको रेंट पर खरीदनी है, तो आप मैजिक ब्रिक्स की मदद ले सकते हो। तो मैजिक ब्रिक्स के जो कस्टमर हैं उनको एचडीएफसी पेमेंट का ऑप्शन दे रहा है जिसका नाम है पे रेंट ऑप्शन, ठीक है। और मैजिक ब्रिक्स की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर क्या है, इसका हेडक्वार्टर है नोएडा, और इसके सीईओ हैं इस टाइम पे सुधीर पाई। क्या नाम है इनका? सुधीर पाई। अगला क्वेश्चन है ओईसीडी। ओईसीडी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, हैज प्रिडिक्टेड हाउ मच जीडीपी ग्रोथ फॉर इंडिया इन 2022। आपसे कह रहा है साल 2022 के लिए भारत का जीडीपी प्रिडिक्शन दिया गया है ओईसीडी के द्वारा कितना परसेंट। ओईसीडी ने साल 2022 के लिए भारत का जीडीपी प्रोडक्शन दिया है 12.6%, कितना? 12.6%। ओईसीडी की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1961 में, और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, और इसके इस टाइम पे सेक्रेटरी जनरल है एंजल गुरिया। क्या नाम है? एंजल गुरिया इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओईसीडी। तो आपको ध्यान रखना है साल 2022 के लिए प्रिडिक्शन ओईसीडी के द्वारा कितनी दी गई है भारत की जीडीपी में? 12.6%। अगला क्वेश्चन है रशियन गवर्नमेंट हैज ब्लेम टू विच कंपनी फॉर फेलिंग टू रिमूव इलीगल कंटेंट। क्वेश्चन का मतलब पहले ध्यान से समझो आपसे क्या बोल रहा है। आपसे कह रहा है रशिया में व्लादिमीर पुतिन की सरकार है और इनकी सरकार के द्वारा ये कौन सी कंपनी है इन चारों में से जिसको अभी हाल ही में ब्लेम किया गया, किसके लिए? कि ये कंपनी में भी इलीगल कंटेंट को रिमूव करने में फेल हो रही है। इन्होंने ब्लेम किया है किसको? ट्विटर को। एक्चुअली पिछले कुछ टाइम पे मुद्दा क्या हुआ, रशियन गवर्नमेंट ने इन चीजों पर गौर किया कि रशिया के जो नागरिक हैं वो अगर ट्विटर पे वीडियो और फोटो अगर अपलोड कर रहे हैं तो जो ट्विटर है ये बहुत टाइम में उनकी फोटो और वीडियो अपलोड कर रहा है, इसके लिए वो एक्सेसिव टाइम ले रहा है ट्विटर का सर्वर। अब इसका एक मेन मकसद समझो रशियन गवर्नमेंट को नुकसान किस बात का है। आपको पता है रशिया जो है वो एक सोशल बेस्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल है, और सोशल बेस्ड इकोनॉमी में जनता की जो मूल जरूरतें होती हैं उनको सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। जैसे हम भारत की बात करें तो हमारे देश में
अगर आप इंटरनेट यूज करते हो तो आपको इंटरनेट का रिचार्ज खुद कराना पड़ता है और खुद करा के उसके लिए भुगतान करना पड़ता है, तब जाके आप इंटरनेट यूज कर पाते हो। लेकिन आपको जानकर अचंभा होगा कि रशिया एक ऐसा देश है जहां पर उसके नागरिकों को मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट फैसिलिटी सरकार के द्वारा दी जाती है, वो भी अनलिमिटेड। अब इस केस में अगर ट्विटर ऐसा रवैया रख रहा है कि रशिया के नागरिक कोई भी फोटो या वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उसको बहुत देर में एक्सेसिव टाइम में अपलोड किया जा रहा है ट्विटर के द्वारा, तो रशियन गवर्नमेंट जाहिर सी बात है पहली चीज तो ये ब्लेम कर रही है कि आप हमारी इंटरनेट स्पीड को वेस्ट कर रहे हो, और दूसरी चीज जो रशिया का जो साइबर सेल है उसका ये कहना है कि ये जो ट्विटर का जो सर्वर है, ये जो इतना टाइम लगा रहा है फोटो और वीडियोस को अपलोड करने में, इसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है ये इलीगल कंटेंट को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, ये एक तरीके का सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि रशियन गवर्नमेंट के द्वारा ट्विटर पर ये ब्लेम लगाया गया कि अगर आप इलीगल कंटेंट को रिमूव करने में लगातार फेल होते रहेंगे तो आगे चल के हमें स्टेप लेने पड़ सकते हैं। रशिया में व्लादिमीर पुतिन की सरकार है। ट्विटर की स्थापना साल 2006 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया और इसके सीईओ हैं जैक डॉर्सी। अगला क्वेश्चन है क्रिसिल। क्रिसिल का मतलब क्या है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत में फाइनेंस सेक्टर में अपनी रेटिंग को प्रोजेक्ट करते हैं। तो क्रिसिल के द्वारा 2022 के लिए भारत का जीडीपी कितना फोकास्ट किया गया है? क्रिसिल के द्वारा भारत का जीडीपी 2022 के लिए 11% फोकास्ट किया गया है। तो दोनों जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपसे पूछता है कि ओईसीडी के द्वारा भारत में 2022 का जीडीपी कितना प्रिडिक्ट किया गया है, 12.6%। अगर आपसे पूछता है क्रिसिल के द्वारा कितना किया गया है तो आपका आंसर होगा 11% प्रिडिक्ट किया गया है। ये ओईसीडी से 1.6% कम है। क्रिसिल की बात करें तो इसकी स्थापना 1987 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके सीईओ है आशु सुयश। क्या नाम है? आशु सुयश। अगला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है अभी हाल ही में एक किताब लॉन्च करी गई है। इस किताब का नाम है करुणा निधि अलाइफ। करुणा निधि अलाइफ नाम की जो किताब लॉन्च करी गई है, इस किताब के राइटर कौन है, ऑथर कौन है जिन्होंने इस किताब को लिखा हुआ है? इस किताब के राइटर आपके सामने नाम लिखा हुआ है, इनका नाम है ए एस पनीर सेल्वन। क्या नाम है? ए एस पनीर सेल्वन। अब यहां पर समझिए ए एस पन्नीर सेल्वन है कौन। ये बेसिकली आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, द हिंदू, द हिंदू के एडिटर हैं, सीनियर एडिटर हैं। और अगर बात करी जाए कि इन्होंने जिनके ऊपर किताब लिखी हुई है करुणा निधि अलाइफ, तो ये करुणा निधि है कौन? करुणा निधि बेसिकली एक राइटर हुआ करते थे जो कि उसके बाद पॉलिटिशियन बन गए कुछ टाइम के बाद। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो राइटर टर्न इंटू पॉलिटिशियन पर्सनैलिटी थे, और ये एक दो बार नहीं, ये तमिलनाडु के 5 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम है करुणा निधि। तो करुणा निधि के ऊपर, इनके करियर के ऊपर, पॉलिटिकल करियर के ऊपर एक किताब लिखी गई है। किसके द्वारा? ए एस पनीर सेल्वन के द्वारा, जो कि अभी न्यूज में चल रही है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वी हैव ऑब्जर्व विच राइजिंग डे ऑफ सीआईएसएफ इन 2021। साल 2021 में सीआईएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस हम लोगों ने मनाया? तो देखो सीआईएसएफ की स्थापना कब करी गई थी? इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 में करी गई थी, और अभी क्या चल रहा है? 2021 चल रहा है। तो अल्टीमेटली इस बार हम लोगों ने कौन सी वर्षगांठ इसकी मनाई है? 2019 तक पूरे 50 साल हो गए और उसके बाद ऊपर 2 साल, मतलब 52वीं एनिवर्सरी इस बार सीआईएसएफ की मनाई गई है। सीआईएसएफ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में करी गई थी, और इस टाइम पे सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? इनको जनवरी के ही महीने में अपॉइंट किया गया था। इनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। क्या नाम है? सुबोध कुमार जायसवाल। और अभी कुछ ही टाइम पहले सीआईएसएफ के एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में कौन अपॉइंट किए गए थे? इनका नाम है राजेश चंद्र। क्या नाम है? राजेश चंद्र। तो एक तरीके से आपको ध्यान रखना है कि सीआईएसएफ के मूलतः डायरेक्टर जनरल कौन है? ये है सुबोध कुमार जायसवाल। और अगर बात करें एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो इनका नाम है राजेश चंद्र।
अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बेगर्स। अभी हाल ही में भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा एक डेटा लॉन्च किया गया। इस डेटा के तहत हमें पता लगा कि पूरे भारत देश में ये कौन सा राज्य है जहां पर भिखारियों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये है वेस्ट बंगाल। नंबर वन पे है वेस्ट बंगाल, जहां पर भिखारियों की संख्या सबसे ज्यादा है। वेस्ट बंगाल के अंदर 81,244 भिखारियों की जनसंख्या है। सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या 65,835 है। नंबर तीन पे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे भिखारियों की जनसंख्या 30,218 है। और नंबर चार पे कौन सी है, ये है बिहार सरकार, जहां पर 29,723 भिखारियों की जनसंख्या है। तो आप देख सकते हो टॉप फोर यहाँ पर जनसंख्या लिखी हुई है। भारत के चार राज्य, ये चार राज्य ऐसे हैं जहां पर भिखारियों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, जिसमें टॉप किया किसने, वेस्ट बंगाल ने। करीब 81,000 प्लस बेगर्स वेस्ट बंगाल में आज भी रोडों पर भीख मांगते हैं। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और गवर्नर है जगदीप धनखड़। उत्तराखंड में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आंध्र प्रदेश में वाई एस जगमोहन रेड्डी की सरकार है, गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंदन। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और गवर्नर है गणेशी लाल, माफ करिएगा गणेशी लाल नहीं है, फागू चौहान है यहाँ पर, गणेशी लाल गवर्नर है उड़ीसा के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का ये, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है हामिद बकायोको, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ये जो आपको पिक्चर में देख रहे हैं यही है हामिद बकायोको। ये कौन से देश के प्रधानमंत्री थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? ये आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे। साल 2020 में अभी हाल ही में ये इलेक्ट किए गए थे, एक साल बाद ही लगभग अभी अचानक से इनकी मौत हो गई। आइवरी कोस्ट की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है यामोसुक्रो। क्या बोलते हैं? यामोसुक्रो। इथोपिया की कैपिटल है अदिस अबाबा। पापुआ न्यू गिनी की कैपिटल है पोर्ट मोर्सवे। और तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा। आपको पता है इस टाइम पे आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री जब नहीं रहे हैं हामिद बकायोको, तो आइवरी कोस्ट की बागडोर किसके हाथ में आ गई है? आइवरी कोस्ट की बागडोर इनके राष्ट्रपति के हाथ में आ गई है। और इनके राष्ट्रपति का नाम क्या है? इनको भी अभी एक से डेढ़ साल पहले अपॉइंट किया गया था। इनका नाम है अलासेन ओत्रा। यहां पर मैं लिख देता हूं अलासेन ओत्रा, AUTTRA। तो उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अन अकेडमी पर मेरा कोई भी कोर्स परचेज करने के लिए, जैसे कि स्टैटिक जीके फुल जीएस, तो आप इस रेफरल कोड का यूज कर सकते हो। यह है वरुण 777। अगर आप इसका यूज करेंगे तो 10% का डिस्काउंट आपको अन अकेडमी पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।